हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग ए डे ऑफ ए कॉर्पोरेट मजदूर। तो सुबह का मेरा शुरुआत होता है एक कैब राइड से, तो 6:30 बजे मेरा पिकअप हो जाता है। उसके बाद 1.5 घंटा जर्नी होता है, जर्नी के बाद मैं पहुंचता हूं अपने ऑफिस गुड़गांव। तो ये गुड़गांव साइबर सिटी का कुछ व्यू है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ, ये मेरा ऑफिस का बिल्डिंग है। उसके बाद पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले हमारे ऑफिस के सामने एक खान साहब हैं, उनके वहाँ हम चाय पीते हैं, तो उनके चाय बहुत टेस्टी रहता है, सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों के साथ कुछ वक्त हम चिट चैट करते हैं, मस्ती करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो 8:10 पहले हम ऑफिस के और चले जाते हैं, क्योंकि 8 बजे ही हमारे शिफ्ट शुरू होता है। तो मैं ऑफिस का और निकल गया। बाद सबसे पहले हमारे रिसेप्शन आता है ऑफिस के, ये हमारा ऑफिस के रिसेप्शन है। तो उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर में जाता हूँ, एक्सेस करते ही मैं सबसे पहले हमारे ग्लास के सामने मैं एक मिरर सेल्फी लेता हूँ। तो देखिए, ये मेरा आज का लुक है। उसके बाद मैं कैंटीन में जाता हूँ, तो कुछ स्नैक्स ट्राई करता हूँ। उसके बाद मैं अपने फ्लोर में चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं की अपने लॉकर के की कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा वहाँ अंदर फ्लोर में फोन्स या अदर इलेक्ट्रिक आइटम अलाउड नहीं। उसके बाद 5 घंटे के ड्यूटी के बाद मैं करने आया लंच। लंच मैं एक्चुअली स्पेशली बिरयानी ट्राई करता हूँ, ये मुरादाबादी बिरयानी हमारे ऑफिस के आस पास नहीं है, मिल जाता है। तो लंच के बाद मैं ऑफिस आ जाता हूँ। उसके बाद 4 घंटा मेरा ड्यूटी रहता है, ड्यूटी और मैं 5 बजे निकल जाता हूँ, मेरा शिफ्ट ख़त्म हो जाता है। और निकलने के बाद सबसे मुश्किल का जो काम है अपने कैब को ढूंढना। तो हम ग्राउंड फ्लोर में आते हैं, कैब ढूंढते हैं। तो ढूंढने के बाद फाइनली मेरा कैब मिल गया। तो मैं कैब में चढ़ जाता हूँ। उसके बाद दो तीन लोगों का इंतज़ार करने के बाद हमारे कैब सबसे पहले सामना करता है गुड़गांव के ट्रैफिक के। तो वहाँ 10-15 घंटा एटलीस्ट हम ट्रैफिक में थे। देखने के बाद उसके बाद ये व्यू मुझे मिला एक फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग के, तो मैंने ये भी स्नैप ले लिया। उसके बाद 1.5 घंटा जाने के बाद मैं पहुँचा अपना एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, जामिया नगर। और रहने के बाद मैंने नमाज वमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मैं जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में चला गया एक प्रोग्राम में। तो मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, अटेंड करने के बाद घर में आ गया, आके सो गया।